शर्मा क्लासेस, सुप्रभात, आदाब, सुप्रभात, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। आज से हम स्टूडेंट्स क्लास एट्थ का सोशल स्टडीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं प्रभात शर्मा आपके सामने प्रेजेंट हूँ और आज हम इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास एट्थ की भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आइए स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी ये जो आपकी रहेगी क्लास एट्थ है, इंडियन पॉलिटी। क्लास ये बिल्कुल नॉर्मल में चलेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स लैंग्वेज में चलेगी, तो जिससे कि बच्चे समझ सकें। तो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, नाम से आपको पता चल रहा होगा भारतीय राज व्यवस्था, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे भारत देश को संभालती है। इट्स एन अरेंजमेंट व्हिच डील्स विद आवर कंट्री एंड रन्स टू आवर कंट्री, यानी कि हमारे भारत देश को ऐसा सिस्टम जो हमारे भारत देश को चलाती है, हमारे इंडियन कंट्री को चलाती है, उसी सिस्टम को हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं। कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो गवर्न करता है हमारे इंडिया को। आइए, और आप सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में इंडिया वर्ड यूज किया गया है और हिंदी में भारत यूज किया गया है। तो बस इसी भारत देश को चलाने के लिए हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जो हमारे देश को चलाती है। तो अपना चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी व्यवस्था इसको जान लेते हैं, एन अरेंजमेंट which governs our country India। ऐसी राज्य व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था जो हमारे देश को चलाती है, उसी व्यवस्था को हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं। अब हम अपना अब सवाल ये उठता है कि हमारा देश चलता किससे है, यानी कि कोई ना कोई चीज होगी, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा जिससे हमारा देश चलता है, हमारा कंट्री रन करता है, वो है हमारा भारतीय संविधान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गवर्न्स अवर कंट्री। कह सकते हैं कि अब हमारा ये आपको कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, अब ये भारतीय संविधान है क्या? ये स्टूडेंट्स एक ऐसा
रिटन डॉक्यूमेंट है एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे देश को मदद करता है काम करने में, आगे चलाने में। कह सकते हैं कि हमारी ऐसा व्यवस्था जो हमारे देश को आगे चलाने में मदद करता है, उसके सिस्टम को चलाने में मदद करता है, उसका प्रशासन, उसके तीनों लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल को चलाने में जो सिस्टम मदद करता है, उसी व्यवस्था को, उसी दस्तावेज को, उस डॉक्यूमेंट को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो बस लिख लेते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट ये स्टूडेंट्स है क्या? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट एक लिखित दस्तावेज। रिटन डॉक्यूमेंट हेल्पफुल इन फंक्शनिंग इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर कंट्री। यानी कि एक लिखित दस्तावेज जो हमारे देश को आगे चलाने में मदद करता है। तो ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था आप समझ चुके ही हैं, तो बस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आगे डिस्कशन होगा। जरा ध्यान दें, तो ये क्या है? एक लिखित दस्तावेज, एक लिखित दस्तावेज जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज लिखी जा रही है, और जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए हिंदी भी लैंग्वेज लिखी जा रही है। तो कोई ऐसा मानते हैं कि कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो एक ऐसा लिखित दस्तावेज जो देश को चलाने में मदद करता है, ये तो है। तो ये एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश को चलाने में मदद करता है। अब सवाल इसमें रिटन डॉक्यूमेंट आ गया। तो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कुछ देश के कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी हैं या ओरल भी हैं, और कुछ देश के कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ देशों में ओरल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ओरल रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, और कुछ कंट्रीज में रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित दस्तावेज के रूप में वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया गया है। तो बस अब वो हम पता कर लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो टाइप में होता है। पहला ओरल फॉर्म में और दूसरा रिटन फॉर्म में। यानी कि कह सकते हैं कि ये एक हमारा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तावेज, और एक हमारा मौखिक है। आइए जान लेते हैं ये मौखिक कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश में चलता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा चलता है द ग्रेट ब्रिटेन में, एक्स ब्रिटेन में। ब्रिटेन जैसे देश में ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। और जब मैं बात करता हूं ब्रिटेन में, तो इसमें हमारा आ जाता है इंडिया, भारत देश, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये चलता है। तो दो टाइप तो आप समझ ही गए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का है, ओरल एंड रिटन। रिटन इंडिया में चलता है, तो बस अब हम रिटन इंडिया पे ही ध्यान देंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसके ऑर्गन्स की या पिलर्स की। तो अब हम संविधान के अंग
और खंभों स्तंभों की बात कर लेते हैं, इसके स्टूडेंट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे भारतीय संविधान के 3 स्तंभ होते हैं। सबसे पहला है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। सेकंड है हमारा कार्यपालिका, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और थर्ड हमारा है कार्य न्यायपालिका, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। अब ये हमारे किसमें मदद करते हैं जरा जान लेते हैं। ये पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चे, पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अंग या स्तंभ, जिनकी वजह से हमारा देश फंक्शन करता है। स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी घर बनता है तो पिलर्स पर खड़ा होता है, यानी कि पिलर्स उसके सपोर्ट देने का काम करते हैं जिस पर वो घर टिका होता है। तो ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 पिलर्स पर टिका गया है। तो वो 3 पिलर्स कौन से हैं, आइए जानते हैं। वो कौन से 3 स्तंभ हैं, वो कौन से 3 अंग हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। वो 3 अंग जरा देख लेते हैं। पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑर्गन्स संविधान के अंग या फिर स्तंभ जिन पर संविधान टिका हुआ है। तो वो 3 पिलर्स मैंने आपको बताए थे, वो 3 पिलर्स कौन से हैं। फर्स्ट पिलर की अगर मैं बात करता हूं तो वो आता है स्टूडेंट्स हमारा लेजिस्लेचर, जिसको विधायिका कहा जाता है। विधायिका। सेकंड में बात करता हूं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटरी, इसको बोला जाता है कार्यपालिका। और थर्ड नंबर पर आता है हमारा ज्यूडिशियरी। इनका काम क्या होता है जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो लॉज को बनाने का होता है, यानी कि जो कानून बनाते हैं वो हमारे लेजिस्लेचर में बनाए जाते हैं। जो अंग कानून को बनाता है, लॉज को बनाता है, वो लेजिस्लेचर में बनाया जाता है, इसीलिए इसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। तो उसका मेन काम क्या है, टू मेक लॉज, यानी कि विधि का निर्माण करना। कह सकते हैं कि जो भी हमारे कानून हैं, विधि कह लो या फिर कानून कह सकते हैं, ये उनका निर्माण करते हैं। यहां पर लॉज बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानपालिका, ठीक, तो इसी में ही है विधानसभा। तो ये ऐसी जगह होती है जहां पर ये लॉज बनाए जाते हैं। आपने हमारा जो स्टूडेंट्स जो दबा हुआ है, इसको हम आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले हम 3 पिलर्स को जान लेते हैं, उनके काम क्या हैं।
आगे जाकर उनका सब डिवीजन भी करेंगे। अब मेन काम आता है एग्जीक्यूशन का। इसका काम होता है टू अप्लाई द लॉज। टू अप्लाई द लॉ यानी कि कानून का पालन करना। पालन करना और करवाना साथ में। और लास्ट जुडिशरी का काम है लॉज को एक्सप्लेन करना, और साथ में अगर कहीं जगह पे विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो उन पे डिसीजन लेना, निर्णय लेना। और जब डिसीजन ले जाते हैं, कोई भी कानून अगर तोड़ा जा रहा है, तो उस पे हमारा जुडिशरी जो है वो पनिशमेंट देता है। तो आप जानते हैं, या तो उस पे हमारी सिविल पेनल्टी लगी जाएगी, जुर्माना लगा जाएगा, या फिर उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो बस इसका काम है टू एक्सप्लेन एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। कानून को समझाना और उस पर निर्णय लेना, क्या सही है और क्या गलत है, सही और गलत का फैसला करना जुडिशरी का काम है। और आपको पता है, उसके लिए हमारे कोर्ट्स बने हुए हैं, हमारे न्यायालय बने हुए हैं, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय आता है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय आता है, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय आता है। यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं, मेजर डिसीजंस, जो अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही होती है तो यहाँ पर उसके प्रति निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आया है, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है, वो आया कहाँ से, आइए जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे देश को गवर्न करता है, हमारे देश को चलाता है। और इस संविधान को बनने में आपको दिखाई दे ही रहा है कि 2 years 11 months 18 days लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगे थे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया था, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि वह ही ऐसे शख्स थे, वही ऐसे इंसान थे, जिन्होंने हमारे देश के सर्वोच्च दस्तावेज, जो कि हमारा देश को चलाने में मदद करेगा, उसको बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो अब इस संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। अब बात कर लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का सुझाव आया कहाँ से, हमारा देश का संविधान बनाने का सुझाव आया कहाँ से। वो आया था, प्यारे बच्चों, दिखाई दे ही रहा है आपको, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान एक ऐसा योजना थी जो कि 1 जुलाई 1949 में लाई गई थी। और इसके अंतर्गत जो मेंबर्स जो थे, इन्होंने ये लगाया कि भाई, अब देखो हमारे देश में जैसे जैसे धीरे धीरे कह सकते हैं कि हमारे देश से ब्रिटिशर्स लोग चले गए हैं, तो अब हमें अपने देश का संविधान बनाना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसा दस्तावेज बनाना चाहिए, जिससे जिस पर लोग विश्वास कर सकें और हमारे देश के नागरिकों को उसे फॉलो करने में कोई दुविधा भी ना हो, प्रॉब्लम भी ना हो। तो बस अपने देश के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे लिए भारतीय संविधान बनाया गया। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है, इस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि इस दौरान प्रधानमंत्री, जिसके अंतर्गत हमारा भारतीय संविधान बनाया गया, और प्रेसिडेंट, जिसको राष्ट्रपति बोला जाता है, वह थे हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
आइए थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। हमारे देश के जो मेंबर्स को इलेक्ट करने में जिन्होंने अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, तो वो मेंबर्स जो इलेक्ट किए गए थे, जो मेंबर्स जो चुने गए थे, वह सभी सेक्टर्स से चुने गए थे। यानी कि जितने भी सभी क्षेत्र, सभी एरिया से, सभी वर्गों से वो मेंबर्स चुने गए थे, सदस्य चुने गए थे। द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। यानी कि हमारे देश की संविधान को बनाने के लिए, अब देखो कोई भी जब बड़ा काम करना होता है तो एक इंसान नहीं कर सकता उसको, या कोई भी लड़ाई जीतनी होती है तो एक इंसान नहीं जीत सकता, उसके लिए उसे अपना ग्रुप बनाना पड़ता है, सेना इकट्ठी करनी पड़ती है। तो बिल्कुल वही काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया कि लोगों के ग्रुप बनाए, मेंबर्स बनाए, और उन्हीं को ही कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स, संविधान के सदस्य बोला गया। ये संविधान के सदस्य मेंबर्स ऐसा था कि जब हमारे देश को जरूरत थी संविधान बनाने की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि जाओ भाई, अब तुम सभी देशों का दौरा करके आओ। यानी कि इन्होंने सभी देश के जितने भी मेंबर्स जो थे, 7 मेंबर्स थे इस देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, इनसे बोला गया कि तुम विजिट करके आओ विदेशों में, और वहां जाकर देखो, ऑब्जर्व करो कि वहां का कैसा चल रहा है, वहां का कैसा सिस्टम है, वो देश आखिर में कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, जाओ देख कर आओ। तो बहुत सारे लोग यूरोप पूरे कॉन्टिनेंट में घूम के आए, इंग्लैंड जैसे देश में, ठीक, रशिया जैसे देश में गए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सभी, स्विट्जरलैंड, इन सभी देशों में गए, और वहाँ से कुछ कुछ बातें जो उन्हें अच्छी लगी वो उन्हें अपने साथ लेकर आए। वही सारी बातें इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट कर दी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, और बस उन्होंने अपना काम निभा दिया। अब बात करते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो इसके लिए एक समिति बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी ऐसी कमेटी थी, ऐसी समिति थी जिसके अंतर्गत हमारे देश के संविधान का निर्माण करने के लिए, हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए इन मेंबर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इस कमेटी को ड्राफ्टिंग कमेटी बोला गया है, या प्रस्तावित समिति बोला जाता है। तो आइए इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को डिस्कस करते हैं, वो कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। स्टूडेंट्स, इस चीज को आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स जो, और इसके मेन हेड मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिनके जरिए ये पूरा काम किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि समिति बनाई गई थी लोगों के ग्रुप्स का, इसके जो मेन हेड थे वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके सदस्य थे। अब बात कर लेते हैं इनके अदर मेंबर्स के, जो रहे थे वो टोटल 6 मेंबर्स रहे थे। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं वो 6 मेंबर्स कौन से थे। सबसे पहले जो मेंबर चुने गए थे वह थे पीके डॉक्टर डीपी खेतान को सबसे पहला मेंबर चुना गया। इनकी बीच में ही मौत हो गई थी, क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बीच में ही इनकी मौत हो गई थी। तो इनकी जगह पर जो रखे गए वह थे टीटी कृष्णमाचारी।
टी कृष्णा मचारे रखे गए थे। दूसरे मेंबर्स की बात करूं अगर मैं तो वो थे बीएल मित्तल। बीएल मित्तल कुछ ऐसा था कि भीमराव अम्बेडकर के साथ इनका विवाद हो गया था, कुछ किस्से हो गए थे, लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था और इनके जगह पर जो आए वो थे माधव राय। माधव राव मैं बात करूं, एक और जो मेंबर थे वो थे के एल मुंशी। एक और मेंबर थे इनके मोहम्मद सादुल्ला। फिफ्थ नंबर पे जो मेंबर आते हैं वो हैं हमारे गोपाल अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। सिक्स्थ नंबर पर जो आते हैं हमारे वो हैं लास्ट कृष्ण स्वामी अय्यर। स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे देश का संविधान बनाने में। तो आपके सामने ये लिस्ट है एनी मेंबर्स ने हमारे देश के संविधान को मिलकर बनाया, जिनके मेन जो हेड थे, जिनके हाथ में पूरा कंट्रोल था, वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं बच्चे, ये साल तो हमारी चल रही है जब हमारा संविधान बन रहा था 1947, और सबसे पहला जो फॉर्म जो होती है संविधान बनने की उसको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मूल संविधान बोला जाता है, क्योंकि कोई भी जब चीज हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो बस ये जो पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा अभी नया नया ही संविधान बना है इस दौर में, तो बस उसी को ही हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और आज के टाइम पे ये वो एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, यानी कि इसमें काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। तो आज की कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलेंगे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। आइए जरा जान लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन तक होने में। तो प्यारे बच्चों, हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन, और बच्चे इस टेबल में कंपैरिजन करेंगे कैसे हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए, इस टेबल से हमें पता चलेगा। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं, कोई भी जब चीज हम सीखते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो बेसिक से सीखते हैं, कि शुरुआत से, उसके बेस से, कि सब्जेक्ट का बेस क्या है, उसके बाद ही हम धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो ऐसे ही आज के टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, जिसको हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन या आधुनिक संविधान भी कहते हैं। ये बात जबकि है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो ये बात है हमारी 26 जनवरी 1950 की। इस तारीख को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो बस इस संविधान में क्या देखने को मिलता है, प्रपोजल्स जो आए, जो अब तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में बनने में जो प्रपोजल्स आ चुके हैं वो करीब 7000 आ चुके हैं, जिनमें से एक्सेप्ट कितने किए गए हैं, 2473 प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है, बाकी के सब रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब सवाल ये आता है कि इस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें थी। स्टूडेंट्स आइए जरा जान लेते हैं।
सबसे पहला जो है वो है स्टूडेंट्स प्रीएम्बल का, प्रीएम्बल जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, हमारे भारतीय संविधान का परिचय है, जिसमें हमारे देश के सभी लक्ष्य उद्देश्य व सिद्धांत लिखे हुए हैं। यानी कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स इन प्रीएम्बल देयर आर एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स इन विच एवरी सिटीजन हैव टू फॉलो एंड अचीव इट। यानी कि हमारे देश के हर एक नागरिक को इन सभी लक्ष्यों को प्राप्ति करनी चाहिए और इनको फॉलो भी करना चाहिए। पहले की बात करूं तो हमारे देश जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मूल संविधान, पहले भी प्रीएम्बल था और आज के टाइम पर भी प्रीएम्बल है। क्योंकि प्रीएम्बल क्या है? परिचय है, और किसी भी इंसान को उसके परिचय से जाना जाता है, उसके इंट्रोडक्शन से जाना जाता है। तो इसीलिए हमारे देश को उसी के ही इंट्रोडक्शन से जाना जाएगा जिसको हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहते हैं। बाद में इसमें तीन वर्ड्स ऐड कर दिए गए थे, लेटर ऑन थ्री वर्ड्स वर एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन में हम सब लोग पढ़ते हैं, वी आर सोलोमनली, हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे देश के संप्रभुता, सोशलिस्ट, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, ये सभी जितने भी वर्ड्स जो ऐड किए गए थे इसमें, सात आठ, इन सभी को फॉलो करेंगे और इनको अचीव करेंगे। तो यही चीज इन्होंने प्रतिज्ञा करी थी मेंबर्स ने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स जो थे पहले थे आठ और अब थे 12। इन बिगिनिंग व्हेन आवर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस वर मेड देयर वर एट शेड्यूल्स एंड देयर आफ्टर ऑन आवर डेट नाउ देयर आर 12 शेड्यूल्स। अब इन शेड्यूल्स का मतलब क्या है? अनुसूचियां इनका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स हमारे आर्टिकल्स में लॉज लिखे रहते हैं, कानून लिखा रहता है, जिसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं, बट हर कानून में उन वर्ड्स का मतलब अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में उन मेंबर्स ने शेड्यूल्स बनाए गए थे कि उस पर्टिकुलर शब्द का मतलब किस आर्टिकल में क्या मतलब है, और वो आर्टिकल में ही लॉ लिखा गया है, हमारे देश का कानून लिखा गया है। तो शब्द का क्या मतलब है जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो शब्द को शामिल किया गया शेड्यूल्स में, जिसको हम अनुसूचियां कहते हैं। उसके बाद आती है पार्ट्स। स्टूडेंट्स हमारे देश के संविधान को टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जो हमारा नया बन रहा था, बट आज के टाइम पे 25 पार्ट्स है। यानी कि हमारे देश के संविधान को तोड़ दिया गया है कुछ हिस्सों में, क्योंकि कोई भी जब चीज हम पढ़ते हैं, बड़ी चीजों को, उसको कुछ हिस्सों में पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के। ऐसे ही हमारे देश के संविधान के भी पार्ट्स बनाए गए हैं जो कि आज के टाइम पे 25 हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स के। आर्टिकल्स यानी कि जिसके अंदर सारा लॉ लिखा हुआ है, सारा कानून लिखा गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं जो कि हमारे देश को फॉलो करने पड़ते हैं हमारे देश को चलाने के लिए। तो बस हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन की जब शुरुआत ही की गई थी, और ये बात है 26 जनवरी 1950 जब अप्लाई कर दिया गया था, क्योंकि शुरुआत जो थी हमारी 1947 में हो गई थी, जब से ही हम जब से हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई थी, जब से ही कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हो गई थी। आर्टिकल्स को पहले थे 395 और आज के टाइम पर हैं 450 से ज्यादा। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स का मतलब है चेंजेस, मॉडिफाई करना, या कोई लॉ ऐसा गलत लग रहा है कि जो पहले बीते हुए हमने बहुत फॉलो कर लिया, उसके अब परिणाम, उसके रिजल्ट्स अब नेगेटिव आ रहे हैं, तो हमारे देश को पावर है, हमारे देश के लेजिस्लेचर को, कि उनको रिमूव भी कर सकता है और नए लॉज ऐड भी कर सकता है, या उनको रिपील कर दिया। आज के टाइम पर रिपील शब्द किया जाता है यूज, तो लीगल लैंग्वेज में रिमूव वर्ड को रिपील किया जाता है कि कानून वहां से हटा दिया गया है। संशोधन में जितने भी आए हमारे अमेंडमेंट्स, जो चेंजेस किए गए, वो पहले जीरो थे, क्योंकि जब नया नया बना है तो जीरो होंगे, सब कुछ कुछ उस टाइम पर सबको बढ़िया लग रहा था हमारे देश को चलाने के लिए। अब आगे जाके इसके परिणाम हमें देखने को मिले तो अब आज के टाइम पर 104 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। स्टूडेंट्स इसकी खासियत यह है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो वो सिक्स मेंबर्स जो मैंने आपको गिनाए थे, और साथ में सेवंथ मेंबर्स जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि मेन हेड थे, जिनके हाथ में सारी कमान थी, सारा कंट्रोल था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोल दिया उन मेंबर्स से कि जाओ, अब तुम विजिट करके आओ, अब तुम यात्रा करके आओ देश, अलग अलग देशों में, और वहां से देखो क्या क्या अच्छी चीज है।
तो हमारे देश के जो मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स, वो अलग अलग देश में विजिट करके आए, यात्रा करके आए, जैसे स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सभी देशों में लोग गए। और वहाँ से जो चीज़ उन्हें अच्छी लगी वो सारी अच्छी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। तो इसीलिए जो भी हम जो चीज़ पढ़ते हैं कि हमारा प्रियम्बल, हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, कि हमारा देश के आर्टिकल्स, या हमारा देश के शेड्यूल्स, या हमारे देश के सोशलिस्ट जस्टिस, ये सारे वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, या प्राइम मिनिस्टर की पावर्स कहाँ से ली गई हैं, प्रधानमंत्री की पावर्स कहाँ से ली गई हैं, लोकसभा राज्यसभा कहाँ से आए हैं। तो बस इन सभी को बाहर से जो विजिट करके आए थे लोग, यात्री यात्रा करके आए थे, वहाँ से जो चीज़ अच्छी लगी वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमने समझा इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम प्रियम्बल के बारे में जानेंगे, और फार साइटेडनेस यानी कि संविधान की पा दूरदर्शिता के बारे में भी जानेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी काम कराया गया है वो क्लास 8 के बच्चे अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।